हमारे इसलिए इस देश के किसानों की ओर से मोदी सरकार से केवल चार सवाल हैं। क्या देश का किसान 2% बीमा प्रीमियम की बजाय अब 27% बीमा प्रीमियम का भुगतान फसल बीमा योजना के लिए कर पाएगा? दूसरा सवाल, क्या यह सारा निर्णय कल जो मंत्रिमंडल में लिया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना को गुपचुप तरीके से बंद करने का एक भाजपाई षड्यंत्र है? तीसरा सवाल, कौन जिम्मेदारी लेगा कि दिल्ली की मोदी सरकार की तर्ज पर प्रांतीय सरकारें भी फसल बीमा योजना की प्रीमियम राशि में अपने हिस्सेदारी में कटौती नहीं करेंगी? क्या मोदी जी जिम्मेवारी लेंगे? उन्होंने तो खुद ही कर दी, तो दूसरे की जिम्मेवारी कैसे लेंगे? और चौथा सवाल, क्या कारण है कि अगर प्रांतीय सरकारें फसल बीमा प्रीमियम राशि देने में देरी करें तो आपने ये तुगलकी निर्णय लिया कि वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही बंद कर देंगे? उसका क्या, उसका नुकसान सीधा सीधा किसानों पर नहीं पड़ेगा? क्या ये करे कोई भरे कोई नहीं है?